नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताजा अपडेट पहुंचे आपके पास। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद एहतसाम जाफर मिंटू लारी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आम आदमी पार्टी कार्यालय पर। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आम आदमी पार्टी कार्यालय पर, जो सुभाष चौक मौजूद है, सुभाष चौक पड़ोना पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद अली राजा, जो नगर अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देखते होंगे कि इस वक्त दिल्ली के एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी विजयी हुई है। इस प्रकरण में मैं जानना चाहूँगा, इस प्रकरण में क्या प्रतिक्रिया देते हैं, आइए मैं जानना चाहता हूँ सीए शहजाद अली राजा से। जी, सबसे पहले सर आपको हमारे हंगामा टाइम में स्वागत है। धन्यवाद। जी सर, इस वक्त आम आदमी पार्टी के जो चुनाव एमसीडी में दिल्ली हो रही है, जिसमें विजयी हुई है, इस प्रकरण में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चले माध्यम से आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जीत है, जो 134 सीटें जीती है। बीजेपी की बहुत करारी हार है, जो बीजेपी कहती थी कि हम जीतेंगे इतना दिखा रहे थे सब, लेकिन नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी 134 सीट जीत के वहाँ पर अपना झंडा गाड़ दिया। मुझे बहुत बड़ी खुशी है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी ये नगर निकाय चुनाव हो रही है, इसमें हम लोग सफलतापूर्वक जीतेंगे। जो भी नगर पड़ोना नगर से जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, उनको आदमी सहयोग करेगा, उनको जिताने के काम करेगा। ये बताइए सर, पटौना आपका नगर अध्यक्ष हैं आप, इसमें पटौना में आप 25 जो विधायक सभासद वाला वो है कि 25 वार्ड है, उसमें कितना आपके प्रत्याशी उतरे हैं और नगर अध्यक्ष चुनाव कौन लड़ रहा है? अभी तो जैसे कि वार्ड नंबर 22 से एक आदमी को अभी खड़ा किया गया है, जो अली राजा रानी है वार्ड नंबर 22 से। बाकी वार्डों में चर्चा चल रही है, अब बहुत तेजी से प्रोग्रेस किया जाएगा और सभी वार्डों से चुनाव लड़ाया जाएगा, सभी प्रत्याशियों को और नगर अध्यक्ष के भी चुनाव आदमी लड़ेगा। इस वक्त आप देखते हो गुजरात में चुनाव अभी बीता है, 8 तारीख को गिनती है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद है आप गुजरात चुनाव से लेकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश भी है उत्तराखंड, इसमें आप क्या मतलब है आपको राय को चुनाव आम आदमी पार्टी निकाल लेगी? हाँ, आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से लड़ी है, आदमी कोशिश करेगा कि सरकार वहाँ बने, आम आदमी पार्टी। बहुत बीजेपी के लोग कहते हैं कि सिर्फ केजरीवाल साहब बस दिखावा करते हैं, दिखावा है, पानी स्कूल का जो स्कूल डेवलप जो किया गया है सब दिखावा है, महंगाई वैसे चरम पर है, दिल्ली में कोई कानून कोई व्यवस्था नहीं। इस प्रकार आप क्या कहना चाहेंगे? हम इस प्रकार में ये कहना चाहेंगे कि जो कहते हैं वो दिल्ली में जाएं और जाके दिल्ली में घूम के देखें, उसके बाद से पंजाब में भी जाके घूम के देखें, अब आने वाला समय 8 तारीख के बाद से गुजरात में भी जाके घूम के देखें कि हाँ क्या केजरीवाल ने किया है दिल्ली में पंजाब में, उसके बाद गुजरात में खुद आदमी जाके देखें, उसके बाद से पंजाब में भी जाके घूम के देखें, अब आने वाला समय 8 तारीख के बाद से गुजरात में भी जाके घूम के देखें कि हाँ क्या केजरीवाल ने किया है दिल्ली में पंजाब में, उसके बाद गुजरात में खुद आदमी जाके देखें। वहाँ पर लाइट फ्री है, दवा फ्री है, महिलाओं के लिए किराया फ्री है बसों का, अब क्या चाहिए आपको? शिक्षा है बढ़िया और शिक्षा की व्यवस्था बढ़िया की गई है। अगर मध्य प्रदेश और गुजरात में चुनाव अगर आम आदमी पार्टी निकलती है तो क्या दिल्ली तरह सुविधा वहाँ भी दिया जाएगा? अब देखिए, जैसे जो होगा उसके बारे में सोचा जाएगा, अभी पहले वहाँ आदमी चुनाव लड़े, उसके बाद से जीत हासिल करे देगा, जो उसकी व्यवस्था किया जाएगा उसके बारे में। ये थे शहजाद अली राजा, जो नगर अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है विवेक पांडे, जो प्रभुत्व प्रकोष्ठ के आम आदमी पार्टी से कार्यकर्ता है। आइए, इनसे मैं जानना चाहूँगा जो एमसीडी का जो चुनाव दिल्ली में हो रहा है, इसमें ये क्या प्रक्रिया आपने दे रहा है? आइए मैं इनसे डायरेक्ट। सर, आपको हंगामा टाइम में स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, जो आम आदमी पार्टी एमसीडी का चुनाव विजय हुई है, इस प्रकरण में किस तरह कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी है आम आदमी पार्टी को? ऐसे बहुत हवा भी उठता आप जानते ही हैं, इस प्रकरण हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आप जानते हैं कि जब पहली बार अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार बनी दिल्ली में, तो 15 वर्षों तक लगातार कांग्रेस का गवर्नमेंट था और 15 वर्ष के कांग्रेस के गवर्नमेंट को ध्वस्त करके माननीय अरविंद केजरीवाल ने पहली बार मुख्यमंत्री बनाए दिल्ली के, और एमसीडी चुनाव में लगातार 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी काबिज थी और जनता वहां त्रस्त थी, और 15 वर्षों के किले को ध्वस्त करके आम आदमी पार्टी ने 134
मेंबर के साथ प्रचंड जीत हासिल की है। इसके लिए मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहता हूँ कि आम आदमी के सरकार को चुनी है, जो कि शोषित वंचित और गरीब लोगों की आवाज बनने का हमेशा से काम किए हैं। जैसे मोहल्ला क्लिनिक हुआ, जैसे आधुनिक शिक्षा पे आप देखिए तो आधुनिक शिक्षा हमेशा विदेशों में चर्चाएं हो रही हैं। आम आदमी ने जाति पाति से ऊपर उठ के दिल्ली में MCD के चुनाव में शिक्षा चिकित्सा और व्यवस्था को चुना है, इसके लिए बहुत बहुत बीजेपी के नेता बड़े बड़े नेता के सब दिखावा है। कोई वो दिल्ली में कोई ऐसा सुविधा नहीं है, सिर्फ वो आम आदमी पार्टी दिखावा करती है। जब भी चुनाव आता तो अपना दिखावा करती, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर जो दिखावा होता 134 सीट नहीं होती, अगर जो दिखावा होता तो दोबारा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार नहीं बनती। ये बहुत बहुत बीजेपी के नेता बड़े बड़े नेता के सब दिखावा है। कोई वो दिल्ली में कोई ऐसा सुविधा नहीं है, सिर्फ आम आदमी पार्टी दिखावा करती है। जब भी चुनाव आता अपना दिखावा करती, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर जो दिखावा होता 134 सीट नहीं होती, अगर जो दिखावा होता तो दोबारा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार नहीं बनती, अगर जो दिखावा होता तो पंजाब में सरकार नहीं बनती और दिल्ली भी जीतते हैं और गुजरात की बारी। इस वक्त मध्य प्रदेश और गुजरात चुनाव में आपके आम आदमी पार्टी करें, मैं इतना सीट निकाल रहा हूँ, मैं विजय हो रहा हूँ, और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जनता तय करेगी चुनना किस को। हम मेरे पार्टी के जो भी शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं वहाँ जहाँ भी जाते हैं ये नहीं कहते हैं कि आप मुझे चुनिए, वो ये कहते हैं कि आप इस पे विचार करिए, अगर जो आपको बेहतर लग रहा हो कि नहीं मैं इस व्यवस्था को कर सकता हूँ तो आप मुझे चुनिए। और जनता को ये लगता है कि नहीं, जनता के विश्वास और उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, जनता चुनती है सर, और परिणाम आपके सामने। जी सर, एक चीज और मैं आप जानना चाहूंगा, इस वक्त नगर अध्यक्ष चुनाव चल रही है, इसमें आपके कितने प्रत्याशी कितने कैंडिडेट आप उतार रहे हैं और क्या आपको मतलब अनुभव है कि हमारे कैंडिडेट इतना नया सीट निकाल लेगी, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे कुशीनगर में चाहे पटौना में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे जनतावासी से? जी, पूरे उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में हर सीटों पर आम आदमी पार्टी अपनी प्रत्याशी उतारेगी। धीरे धीरे लगभग जगह नाम तय हो गया है और नाम का अनाउंस भी जल्द ही हो जाएगा, और पटौना से भी हर वार्डों से और पूरे कुशीनगर जनपद के हर नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद से चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ेगी और जीत भी हासिल करेगी। ये से हमारे साथ विवेका पांडे जी, और इन्होंने बहुत अच्छी सी बातें अपने प्रतिक्रिया राय दी है, जो भी हमारे चुनाव जो भी हमारे सरकार वादा करती है वादा पर हम खड़ा उतरती है और उसको पूरा भी करती है। ऐसे बने रहेंगे हमारे टाइम न्यूज़ से। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत।